प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का आज दंतेवाड़ा का दौरा रहा। सबसे पहले उन्होंने भोगाम स्थित सीएएफ कैंप पहुंचकर जवानों से मुलाकात की, उनके काम की सराहना की। गृह मंत्री से मिलने दंतेश्वरी फाइटर्स डीआरजी के जवान और समर्पित नक्सली भी पहुंचे हैं। यहां उन्होंने जवानों को खेल सामग्री के साथ ही पाठ्य सामग्री का वितरण भी किया। इसके बाद देवी माँ दंतेश्वरी के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर में दर्शन के बाद गृह मंत्री ने पुलिस लाइन कारली में पुलिस अफसरों की एक बैठक भी ली। बैठक में दंतेवाड़ा के अलावा सुकमा और बीजापुर से पुलिस सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ प्रशासनिक अफसर भी पहुंचे थे। गृहमंत्री ने कहा कि न केवल उनका खात्मा कर बस्तर को नक्सल मुक्त बनाया जा सकता है, बल्कि इलाके में विकास की गंगा बहाकर भी नक्सलवाद पर बड़ा अंकुश लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है वो हथियार छोड़ दें, उनके लिए दरवाजे खुले। क्या सरकार के द्वारा शोषण किया जा रहा है, क्या हो रहा है, वो जानकारी दें। हम तो दूर करना चाहते हैं उनको। बजट में हम लोग फिर से 2800 पोस्ट क्रिएट किए हैं कि यहीं के बच्चों को यहाँ नौकरी देंगे और यहीं जिले स्तर पर, थाने स्तर पर यहाँ चयन।